हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है एक बार फिर से अन्नपूर्णा किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं मुरमुरे के इंस्टेंट डोसे। मुरमुरे का डोसा बनाने के लिए हमने 2 कटोरी मुरमुरे लिए हैं और 1/2 कटोरी सूजी। सबसे पहले हम इनको पानी में गला के रख देंगे, क्योंकि बहुत हल्के होते हैं इसलिए इन्हें 10 मिनट पहले पानी में डुबो के रख दें। और इसमें पानी डाल देंगे। हमने एक बाउल में ले लिए हैं 2 कटोरी मुरमुरे, इतना ले लेंगे ये आराम से डूब जाए। बहुत हल्के होते हैं ये, इसके ऊपर तैरते हैं। इनको पानी में ऐसे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए और ढक के रख दें। आधी कटोरी सूजी लिए, इसको भी पानी में घोल देंगे। पानी ज्यादा न डालें, बस सूजी डूब जाए इतना ही हम इसमें पानी डालेंगे। इसको भी 10 मिनट के लिए रख देंगे। मोटी या पतली कोई सी भी सूजी ले सकते हैं आप। ऐसे पानी में डुबो के 10 मिनट के लिए इसे भी ढक के रख देंगे। पहले देख लेते हैं, 10 मिनट हो गए मुरमुरे को रखे रखे। देखिए अच्छे से गल चुके हैं मुरमुरे। देखिए अब इनको हम छान लेंगे। सबसे पहले पानी में से अब एक ब्लेंडर जार ले लेंगे मिक्सी का, उसमें हम ये सारे मुरमुरे डाल देंगे। मुरमुरे आप गलाने से पहले एक बार देख लें इनमें कोई कचरा ना हो, उसके बाद ही गला। जब भी बच्चों को डोसा खाने का मन करे आप फटाफट ये वाला डोसा बना सकते हैं। डालने के बाद में ये सूजी भी देखिए, सारा पानी सोख कर लिया है सूजी ने, इसको भी डाल देंगे इसी में। सूजी के बाद में 1/2 कटोरी सूजी ली थी तो 1/2 कटोरी ये दही है, दही भी डाल देंगे हम एक साथ ही। सारा सामान डाल के इसका अच्छा बैटर बना लेंगे इसमें। और इसमें बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच बेसन लिया है हमने और 2 चम्मच ही गेहूँ का आटा। नमक हम बाद में डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और अब इसका बैटर तैयार करेंगे। अगर लगे तो थोड़ा पानी और डाल सकते हैं, बीच में चेक कर लेंगे हम। हमने देखिए पीस लिया है सभी को अच्छे से। देखिए ऐसा ही इसका गोल होना चाहिए डोसे का। इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और आप चाहें तो इंस्टेंट डोसा बना सकते हैं हल्के हाथ, थोड़ा सा नमक और सोडा डाल के। पर इसको अगर 10 से 15 मिनट ढक के रख देंगे तो इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आएंगे। तो इसको अब हम ढक के रख देंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं डोसे के बैटर को रखे हुए, हम चेक कर लेते हैं। देखिए अच्छे से फूल गया है ये। और इसमें नमक डालेंगे, थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी, नमक टेस्ट के अनुसार और 1/4 चम्मच मीठा सोडा, दोनों को अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। मिला लिया है हमने और एक तरफ तवा भी गर्म होने लग गया। तवा में ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस अब तवे की तरफ चलते हैं। बैटर को हमने मिला लिया, तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको तवे को ग्रीस कर लेंगे सब तरफ से अच्छे से। और तवे को ठंडा करने के लिए इस पर पानी छिड़केंगे थोड़ा सा और एक कपड़े की सहायता से या नैपकिन से इसको अच्छे से पहुँचेंगे। हमारा डोसा तिलकी तवा एकदम तैयार है। फ्लेम को लो पर रखें, अगर ज़्यादा तेज हो गया तो आप गैस को बंद भी कर सकते हैं। आप 1 चम्मच भर के बैटर लेंगे और इसको चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। तो बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इसको अच्छे से सिकने देंगे, लो फ्लेम पर ही सेकेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया, कजाली भी कितनी अच्छी पड़ी है। आप इसमें घी या बटर कुछ भी लगा सकते हैं। हम बटर लगा रहे हैं, आप घी भी लगा सकते हैं। कितने अच्छे डोसे बन रहे हैं। और तवे को ऐसे घुमा घुमा कर सब तरफ से सेक लीजिए। कॉर्नर कॉर्नर पे थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे जिससे कि तवा अच्छे से डोसे को निकाल देगा, डोसा चिपकेगा नहीं। देखिए कलर भी अच्छा आ गया, हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया, कितना क्रिस्पी डोसा बना है। आप
आपको आवाज से ही लग रहा होगा। ऐसे ही सारे डोसे बना लेंगे। ये देखिए मुरमुरे के इंस्टेंट डोसे। जब भी बच्चों का खाने का मन करे तो आप भी उन्हें तुरंत बना के इसे दे सकते हैं। जैसे ही हम सारे डोसे बना लेंगे, देखिए डोसे बन के एकदम तैयार हैं। कितने करारे और क्रिस्पी बने हैं, आपको आवाज से ही लग रहा होगा। ऐसे ही आप भी बनाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।